हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे तो शीर कुर्मा बनाना आसान ही है, लेकिन मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि इसे हेल्दी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी इलायची का पाउडर, चिरौंजी, किशमिश, इन ये चीज़ें हमें चाहिए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा केसर दूध में भिगा के रख दिया है। थोड़ी सी रोस्टेड सिवैयाँ आपके पास अगर वाइट वाली हो तो आप उसे रोस्ट कर लीजिएगा। और ये है थोड़ा सा खजूर, जिसे कि मैंने दूध में भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है ये, और इसे थोड़ा गाढ़ा करने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये गाढ़ा होता है तब तक हम अपनी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है देसी घी। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप देसी घी कितना यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़रा सा घी यूज़ किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने काजू बादाम, और उसके साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सा पिस्ता भी डाल दिया है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं रोक लूँगी क्योंकि बाद में हम उसे गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये चिरौंजी डाल रही हूँ मैं, और इन सबको मैं हल्का सा भून लूँगी। इन्हें हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भून लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सिवई। तो यहाँ पे मेरे पास तो ये रोस्टेड वाली थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। शीर खुरमा बेसिकली एक पर्शियन डिश है, और इसमें शीर का मतलब है मिल्क और खुरमा यानी कि डेट्स, जो कि हमने दूध में भिगा के रखे थे। इन सेवियों को मैंने थोड़ा तोड़ दिया था क्योंकि ये लंबी लंबी होंगी तो आपको इसे भूनने में दिक्कत होगी, तो इसे छोटा ही छोटा करके और फिर आप इसे यूज़ कीजिएगा। और अब हम ऐड करेंगे मिल्क, जो कि हमें धीरे धीरे डालना है, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे। इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क और शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे विदाउट शुगर बना रही हूँ। मैं इसमें गुड़, चीनी, कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और हमारी जितनी भी स्वीटनेस आएगी वो सब इसमें जो मैंने डेट्स यूज़ किए हैं उसी से आएगी। और बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था सिर्फ डेट्स से ही। और ये मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ जो हमने दूध में केसर भिगा के रखा था वो मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें। और सबसे लास्ट में इसमें एक चीज़ और पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर आँच धीमी करके कुक करेंगे, और साथ ही साथ ये जो हमने डेट्स भिगाए थे ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसका मैंने सीड्स निकाल दिए थे, बीज जो इसके अंदर होते हैं। सिवैयों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे 2 मिनट और कुक करेंगे किशमिश डालने के बाद। ये मैंने किशमिश डाल दी थी, और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के और ठंडा खा सकते हैं या फिर गर्म खा सकते हैं, दोनों तरह से ये बहुत अच्छा लगता है। और अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें फ्लेवर के लिए एक और चीज़ डाल रही हूँ, और वो है केवड़ा वाटर यानी कि केवड़ा जल, जिसको डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने लगता है। तो बस अब मैं गैस को बंद करने जा रही हूँ, 2 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर। तो फ्लेवर के लिए इसमें 3 चीज़ें गई, एक तो इलायची का पाउडर, केसर का मिल्क और ये केवड़ा वाटर। ये तीनों चीज़ें इसको बहुत ही अच्छा एक औसम सा फ्लेवर देती हैं। और ये बस हम इतना ही गाढ़ा करेंगे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने शुगर नहीं डाली है, तो आपको भी नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़े से पिस्ता, और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे कि ये और भी सुंदर लगने लगता है। तो बस हमारा शीर कुर्मा रेडी है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा।
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।